सर आप हमें एक बात बताइए कि ये जो गरीबी गरीब माता पिता होते हैं वो अपनी 10-12 साल की बच्चियों को स्कूल भेजने की बजाय ये अमीरों के घरों में काम करने क्यों भेज देते हैं, और इस चीज का वो विरोध क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? और उन्हें पढ़ाते क्यों नहीं है? देखिए, सचमुच बहुत गंभीर विषय है। और जो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो ये है कि जो गरीब लोग हैं और जो अपनी बच्चियों को अमीर लोगों के घरों में भेजते हैं, वो जो अमीर लोग इन बच्चों के बारे में जो सोच रखते हैं और सोच बताते हैं, उसी को वो बाय करते हैं। एक्चुअली में जो गरीब लोगों की समझ है, वो तो उनकी, अगर हम वर्ग के हिसाब से देखें, जिस वर्ग को वो बिलोंग करते हैं, तो एक क्रांतिकारी सोच होनी चाहिए। उसमें क्रांतिकारी के अंदर तो वो बच्चे को घर में नहीं भेजेंगे ना, स्कूल में भेजेंगे और अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ भेज रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो मिडिल क्लास या रिच लोग, जिनके घर में वो बच्चियां काम करती है ना, वहां अगर आप जाके उनसे पूछो, सवाल करो कि आप ये लड़की को क्यों अपने घर में मेड सर्वेंट का काम में लगाए हुआ है, इस बच्ची की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, ये बच्ची स्कूल नहीं जाती है, इसको स्कूल जाना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, है आपके यहाँ रह के तो बर्बाद हो जाएगी। तो वो जो मिडिल क्लास फैमिली है या रिच फैमिली है, जिसने उसको एम्प्लॉय किया हुआ है, वो पता क्या आपको बताएगी? आपको कहेगी, देखिए आप तो बहुत गलत सोचते हैं, है यहाँ पर देखिए एयर कंडीशन में रहती है ये, है और पढ़े लिखों के बीच में रहती है, बढ़िया खाना खाती है। और अगर ये यहां ना हो और घर पे रहे, तो हो सकता है इसके साथ कोई हादसा हो जाए, है तो इसकी सिक्योरिटी भी यहां पर है, तो आप इसके लिए तो बहुत अच्छा है यहां पर। अच्छा, फिर जो है ये तो मिडिल क्लास ने आपको बता दिया, फिर उसके बाद आप उसके माता पिता के पास जाओ, तो माता पिता से भी यही सवाल करो आपकी, भाई आप अपनी बेटी को क्यों भेजते हो काम करने के लिए, पढ़ाई पे क्यों नहीं भेजती हो? तो वो भी वही बातें करेगा जो मिडिल क्लास ने आपसे करी है, और वो भी यही कहेगा, देखिए मेरी बच्ची जो है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वहां पर एयर कंडीशन में रहती है, अच्छा खाना भी मिलता है, पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी रहती है। तो होता क्या है कि जो पब्लिक में ओपिनियन बनाता है वो मिडिल क्लास बनाता है, और ये जो गरीब लोग है ना, वो उस ओपिनियन को बाय कर लेते हैं, एज इट इज ले लेते हैं। ये उनकी ओरिजिनल सोच नहीं है, उनका वर्ग की सोच नहीं है, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी बच्ची जो है वो किसी भी कीमत पे किसी के घर में भी काम नहीं करेगी, और हर हालात में वो स्कूल जाएगी और उस पूरी पढ़ाई करेगी। तो अगर ऐसा सोचते तो चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में, खासकर लड़कियां 10, 11, 12 साल की होती हैं, वो मिडिल क्लास या रिच लोगों के घर में काम करती हैं और पूरी जिंदगी वो जो है पढ़ाई नहीं कर पाती है। तो ये एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, मुझे लगता है कि इसको बदलना चाहिए।